Hi, welcome you all to the next session of your marketing, that is FIBCOM marketing. And in this session we will be dealing with types of distribution channel, that is for commercial consumer goods and for industrial goods too. In previous session we'll just recall we studied the middleman type. That one was agent middleman. And agent middlemen are those middlemen who does not take the possession of the good but help in all transferring of good from the producer to the consumer without taking the possession by charging commission on it. Clear to it? Okay, we studied about various types of agents into it. That one was commission agent, broker, factor, anchor, selling agent, forwarding and clearing agent. In today's session we will be dealing with the types of distribution channel, what the business houses adopt for consumer goods and for industrial goods too. Let's start with a marketing channel or a trade channel is the means through which goods move from the producer to the manufacturer or to the ultimate consumer or to industrial user. मार्केटिंग चैनल वो ट्रेड चैनल है जहाँ पर गुड्स का मूवमेंट होता है प्रोड्यूसर से मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर और टू द इंडस्ट्रियल हाउस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. प्रोफेसर डब्ल्यू स्टेटॉन हैज डिफाइन इट एज इट इज़ द रूट टेकन बाय द टाइटल टू द गुड्स एज दे मूव फ्रॉम द प्रोड्यूसर to the ultimate consumer or industrial user. Professor V.W. Stanton क्या बोलते हैं, ये वो route है जहाँ पर goods का title move होता है producer से consumer के बीच में, consumer को या फिर industrial use को. Thus a marketing channel is a pipeline through which producer product flow on the way to the consumer. इसीलिए बोला गया है मार्केटिंग चैनल वो पाइपलाइन है जहाँ पर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट्स को फ्लो कराकर कंज्यूमर के हाथों में लेकर जाकर देता है. द मैन्युफैक्चरर पुट हिज प्रोडक्ट इन द पाइपलाइन ऑन द मार्केटिंग चैनल एंड वेरियस मार्केटिंग पीपल मूव इट अलोंग टू द कंज्यूमर एंड द अदर एट द अदर एंड ऑफ द चैनल. मार्केटिंग मैन्युफैक्चरर क्या करता है गुड्स को मार्केटर क्या करता है मैन्युफैक्चरर क्या करता है गुड्स को पाइपलाइन में डालता है और मार्केटिंग पीपल उसको दूसरे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से लेके उसको कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं. हाउएवर द पर्सन एंड द इंस्टीट्यूट्स हु रेंडर स्पेशलाइज सर्विस टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द टाइटल ऑफ द गुड्स सच एज बैंक्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज इंश्योरेंस कंपनीज वेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट इंक्लूडेड इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बताया है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट जो होते हैं जो स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्योंकि टाइटल ऑफ गुड चेंज हो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, जैसे कि बैंकिंग एजेंसी है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, कमीशन, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल यूजर. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन इंक्लूडेड है, included a producer, wholesaler, retailer, agents and consumer. The most common route used by bringing the product in the market from the producer to the consumer are as follows. अभी नीचे जो चैनल दी है हम वो पढ़ेंगे. फर्स्ट चैनल है मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर चैनल, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट सेल. मैन्युफैक्चरर से जब गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुँच जाते हैं इसको डायरेक्ट सेल्स बोलते हैं. When this kind of channel is adopted, the goods move from the manufacturer to the consumer without any kinds of middlemen. और जब ये channel कोई भी business house adopt करता है, that is manufacturer to consumer, जिसको हम direct sale बोलते हैं, इस channel में middlemen बिल्कुल भी involved नहीं होता है. Neither an agent nor a merchant. यहाँ पर ना एजेंट इन्वॉल्व है, ना मिडिल मैन इन्वॉल्व है, ना कोई. डायरेक्ट मार्केटिंग इज डिफाइंड एज एन इंटरैक्टिव सिस्टम ऑफ मार्केटिंग विच यूजेस वेरियस मीडियाज ऑफ कम्युनिकेशन. डायरेक्ट मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जहाँ पर गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर के हाथ में पहुँचते हैं थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन मीडिया. क्लियर टू इट? ओके. सेकेंड वन रूट जो है वो है मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर.
अभी जो फर्स्ट वाला था मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, जिसको डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, उसमें कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि ऑर्डर सेल्स होता है, टेली मार्केटिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है. क्लियर टू इट? ओके. नाउ मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर, दिस चैनल ऑप्शंस आर प्रीफर्ड व्हेन द बायर आर लार्ज रिटेलर्स लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, सुपर मार्केट, शॉपिंग मॉल, बिग ऑर्डर हाउस एक्सेट्रा. ये जो चेन है मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर, ये चैनल वो रिटेलर्स अडॉप्ट करते हैं जो लार्ज स्केल रिटेलर्स है. लार्ज स्केल रिटेलर्स कौन है? जिनका क्वांटिटी लार्ज होता है, जैसे कि सुपर मार्केट्स, मॉल्स, हाईवे रिटेलिंग, देन वी हैव बिग मॉल्स, मेल हाउस एक्सेट्रा, कॉपरेट हाउस एक्सेट्रा. दिस चैनल बाईपासेस द होलसेलर एंड हैंस द मैन्युफैक्चरर हैज़ टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ होलसेलर. अभी इस चैनल में जहाँ पर मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर होता है, यहाँ से होलसेलर कट हो जाता है और मैन्युफैक्चरर को ही ड्यूटी करनी पड़ती है होलसेलर की, लाइक वेयर हाउसिंग, फिनेंसिंग, इंश्योरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. क्लियर टू इट? ओके. नेक्स्ट वन वी हैव इज मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर. When this channel is adopted, the goods move from the wholesaler to the manufacturer to the wholesaler and to retailer and then to the final consumer. यहाँ पर जब होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर जब ये चेन अडॉप्ट की जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, गुड्स पहले मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाते हैं, होलसेलर से रिटेलर के पास जाते हैं और रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाते हैं. दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज चैनल फॉर मार्केटिंग एंड हैंस इट इज़ नोन एज ऑर्थोडॉक्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो चैनल है जहाँ से मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर और रिटेलर टू कंज्यूमर है, ये मोस्ट कॉमनली यूज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए इसको ऑर्थोडॉक्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है. नियरली 50-60% ऑफ द मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स आर मार्केटेड अंडर दिस चैनल. 50-60% ऑफ कंज्यूमर गुड्स ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मार्केट होते हैं. नेक्स्ट वन है मैन्युफैक्चरर टू एजेंट, एजेंट टू होलसेलर एंड कंज्यूमर. यहाँ पर रिटेलर गायब हो गया है. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द एजेंट मिडिलमैन आर नॉट इंक्लूडेड इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दे डू नॉट टेक टाइटल टू गुड्स. यहाँ पर क्या है, एजेंट आया है लेकिन वैसा देखा गया तो एजेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता है. क्यों? क्योंकि वो टाइटल ऑफ गुड्स नहीं लेता है. However, in actual practice, they play an important role in regulating the purchase and sales of goods. But क्या है, वो एक important role play करता है practical life में. It is because of the fact that they are included. इसीलिए वो लोग included है. क्या है कि एजेंट कभी भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, बट इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में एजेंट क्यों इंक्लूडेड होते हुए हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में एजेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. अगर एजेंट नहीं होते तो जो बीच में कम ईजी अवेलेबिलिटी, ईजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम द होल मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. इसीलिए कोई कंपनी जब अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करती है तो वो एजेंट को भी इन्वॉल्व करती है. दिस चैनल इज़ नथिंग बट द ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स चैनल विद एन एडिशन ऑफ वन मिडिल मैन. ये कुछ नहीं है, हमने पहले जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है उसी में एक एडिशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एजेंट. दिस चैनल इज़ यूज फॉर प्रोडक्ट्स लाइक इम्पोर्ट गुड, टेक्सटाइल, ऑयल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. वन लार्ज नेशनल सोल सेलिंग एजेंट कैन एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर मेनी मैन्युफैक्चरर. दिस एजेंट मिडिल मैन ऑपरेट एट अ होलसेलर लेवल एंड आर कॉमन इन बोथ मार्केटिंग फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड और ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स. और ये जो मेथड होता है ये मैन्युफैक्चर गुड्स एज वेल एज एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन वी हैव इज मैन्युफैक्चरर टू एजेंट, एजेंट टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर. दिस इज द अनदर चैनल इन विच द होलसेलर इज बाईपास. यहाँ पर ऐसा चैनल है जहाँ पर होलसेलर बाईपास होता है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली एजेंट रिटेलर के पास गुड्स लेकर जाता है और रिटेलर कंज्यूमर को दे देता है. द एजेंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ होलसेलर एंड एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द रिटेलर एंड द मैन्युफैक्चरर. इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में होलसेलर इंटरमीडियरी का काम, सॉरी एजेंट होलसेलर का काम करता है.
manufacturer, wholesaler and consumer, that is ultimate user. The retailer may be bypassed in the channel of distribution where there are large and industrial buyers like the government buyer, business buyers, consumer, cooperative houses, hospitals, education, etc. ये जो channel of distribution है जहाँ पर manufacturer to wholesaler और wholesaler to consumer होते हैं, ये usually government बिजनेसेस या फिर बायर्स, बिजनेस बायर्स लार्ज होते हैं, कोऑपरेटिव हाउसेस, हॉस्पिटल्स, वहाँ पर यूज़ किया जाता है. दस देर आर सिक्स डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ मैनुफैक्चर टू चूज़. यहाँ पर छः डिफरेंट चैनल ऑफ मैनुफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैनुफैक्चर चूज़ कर सकता है उसमें से कोई एक या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू फॉर गिविंग इट्स प्रोडक्ट फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस इन द राइट क्वान्टिटी. लेट shortly recall what are the different channel of distribution. First one is manufacturer to consumer, that is called as direct sales. Next one is manufacturer to retailer and retailer to consumer. ये कब possible है? जब large scale retailer होता है, like departmental store, then we have mail order house, then we have shopping marts, shopping mall, etc. थर्ड वन है मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर. इसको ऑर्थोडॉक्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला गया है. ज़्यादातर कंज्यूमर गुड 50-60% यही चीज़ों से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. नेक्स्ट वन वी हैव इज मैन्युफैक्चरर टू एजेंट, एजेंट टू होलसेलर एंड होलसेलर टू कंज्यूमर. मोस्टली ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चरल एंड मैनुफैक्चर गुड्स के लिए होते हैं. नेक्स्ट वन वी हैज इज मैनुफैक्चर टू एजेंट, एजेंट टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर. क्लियर टू इट? एंड देन वी हैव एज मैनुफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू कंज्यूमर. यहाँ पर क्या हुआ है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट से, बिजनेस बायर से, कंज्यूमर से, कोऑपरेटिव हाउसेज से, वो ये मेथड अडॉप्ट करते हैं. क्लियर टू इट? बिजनेसमैन के पास, मैन्युफैक्चरर के पास वैरायटीज ऑफ चैनल्स होते हैं, सिक्स डिफरेंट चैनल होते हैं. वो उसमें से कोई भी एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उठा सकते हैं मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग अपने गुड्स को मार्केटिंग करने के लिए, डिलीवर करने के लिए अल्टीमेट कंज्यूमर तक, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट व्हाट दे आर डीलिंग इन टू. और दे कैन यूज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू. गॉट इट? ओके, एंड विद द टॉपिक. प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो, watch the video. If you have any doubts and queries, please pin me on the email ID provided to you by the college. Thank you all. Thank you. Be at home, be safe.